तो प्रैक्टिकली जब आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होता है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप किसी भी वेबसाइट को टेस्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला पार्ट क्या होता है, वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो आपको वहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, जब आप कंपनी में काम करेंगे तो हो सकता है उसमें टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। उन डिटेल्स में से हो सकता है आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मिल जाए, मॉडल का नाम मिल जाए, या किसी मॉड्यूल का नाम मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल्स का नाम भी बता सकते हो, अगर आपको कोई मॉडल यहाँ पे यूज़ करना है तो आप उसमें मॉड्यूल नेम भी आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, हर कंपनी के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो जैसे ही जिस कंपनी के अंदर का स्ट्रक्चर उन्होंने डिज़ाइन किया होगा उसके हिसाब से वहाँ पे आपको प्रोसेस मिलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मानिए कि आप किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो ई कॉम एप्लीकेशन पे काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उन्होंने बता दी कि भाई हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। अभी प्रोजेक्ट का नाम डिस्क्राइब नहीं किया गया, जब कंपनी की तरफ से फाइनलाइज हो जाएगा कि हमारा नाम क्या होगा तो हम लोग उसका एक पर्टिकुलर नाम डिसाइड कर देंगे। ठीक है, मॉड्यूल हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल होंगे, तो किस मॉड्यूल को किस मॉडल पे डिज़ाइन करना है ये बताया जाएगा। जैसे SDLC के अंदर एजाइल मॉडल पे काम होना है तो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि हम लोग एजाइल मॉडल पे काम करेंगे। मॉड्यूल इसमें कौन सा हो रहा है, जैसे मान लो आप लोगों को लॉग इन एंड रजिस्टर मॉड्यूल पे काम करना है, तो उन्होंने आपको बता दिया जो आपको मॉड्यूल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें लॉग इन और रजिस्टर मॉड्यूल सबसे पहले बनाया जाएगा। फिर वो डेट एक आपको वहाँ पे असाइन करके दे दी जाती है, वो डेट क्या होती है, जैसे मान लो कि कोई प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट है 12 मार्च की। ठीक है, तो 12 मार्च को आपको ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया, पूरी टीम को, उसमें डेवलपमेंट भी है, टेस्टिंग भी है, डिजाइनर भी है, सबको असाइन किया गया। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट करता है, तो 12 मार्च के बाद से सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं कि हमको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, स्टार्ट करना है। और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से हमारे सिनेरियोज भी यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। तो बेसिक जो आपको रिक्वायरमेंट्स होती है ये सारी बातें आपको ड्यूरिंग द मीटिंग वहाँ पे समझा दी जाती है। अब आपका काम क्या होगा कि जब आपको यहाँ पर ये सारी बातें समझा दी जाएंगी, तो आपको अगर कंपनी की तरफ से ड्यूरिंग द मीटिंग अगर कोई SRS फाइल दी जाती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की फाइल, या फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की फाइल, या बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की फाइल, या कोई PPT, या कोई PDF, या कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है तो आप उसको पूरा गो थ्रू करते हो। ठीक है, एज ए डेवलपर, एज ए टेस्टर, एज ए डिजाइनर, आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्यों ना काम कर रहे हो, किसी भी पोजीशन पे क्यों ना काम कर रहे हो, आपको अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन कंपनी में प्रोवाइड किया जाता है तो आप उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप उसको गो थ्रू करते हो। तो गो थ्रू करने के लिए आपको इनिशियल लेवल पे दो एक दो दिन मिल जाते हैं। ठीक है, जब तक आप लोग उसको रीड करते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो कि हम लोगों का क्या काम होगा, तब तक वहां पे क्या काम स्टार्ट हो चुका होगा, बैकएंड की प्रोसेस के हिसाब से जो पहला पेज डिजाइन होना होगा उसके हिसाब से डिजाइनर, जो डिजाइनर होगा उस कंपनी का, जो UI UX डिजाइन करेगा, ठीक है, UI UX जो डिजाइनर होगा वो उनके पीछे के वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करना शुरू कर देगा। स्ट्रक्चर मतलब समझ में आता है, उसका लेआउट जिसको बोलते हैं। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर को हम लोग लेआउट भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हम लोग डिजाइन भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एक से ज्यादा कीवर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चर का काम क्या होगा, यानी कि डिजाइनर का काम क्या होगा, उस पूरे लेआउट को अंडरस्टैंड करना, उसकी डिजाइनिंग कराना, और उसकी डिजाइनिंग के हिसाब से क्लाइंट से वेरीफाई कराना, ये उसका काम होगा। ठीक है, तो SDLC के हिसाब से जब आप प्रोसेस करोगे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो पहला पार्ट होगा आपको ये मीटिंग्स में इतनी इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड हो जाएगी, डिजाइनर को डिजाइनर का काम मिल जाएगा, और डेवलपर क्या करेगा, यहाँ पे डेवलपर का अगर रोल आप देखो तो डेवलपर जिस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की बात चल रही है वो सॉफ्टवेयर किस पे बनना है, मान लो वो सॉफ्टवेयर पाइथन टेक्नोलॉजी पे बनना है, या जावा टेक्नोलॉजी पे बनना है, ठीक है, या मान लो PHP टेक्नोलॉजी पे बनना है, तो वो क्या करेगा, अपने सिस्टम के अंदर इन सब फाइलों को कॉन्फिगर करने की कोशिश करेगा। अगर पाइथन पे काम कर रहा होगा तो वो पाइचाम जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा, जावा पे काम कर रहा होगा तो इक्लिप्स जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करेगा, PHP पे काम कर रहा होगा तो हो सकता हो सबलाइम जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करे। जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो सॉफ्टवेयर उसको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके दो केस होते हैं, दो केस होते हैं। पहला केस यह है कि अगर आप किसी स्मॉल या मिडिल लेवल की कंपनी में काम करते हो तो आपको बोल दिया जाता है कि यार एज अ डेवलपर ये आपका काम है, तो आप वहां पर
जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप होने हैं, जो भी प्रोसेस वगैरह होने हैं, उसके लिए आप अपना सिस्टम रेडी कर लो, ठीक है। वो सिस्टम रेडी करता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, ये सब काम उसका होगा। दूसरा तरफ क्या होता है कि अगर आप किसी एमएनसी या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पे एक हायरार्की फॉलो की गई है, तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने होंगे वो आप अपने हेड से, अपने टीम मेंबर से बता सकते हो। जैसे आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करनी है, या आप टीएल को रिपोर्ट करनी है, या किसी अदर पर्सन को रिपोर्ट करनी है, तो आप उनको एक मेल कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन मुझको ये सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने हैं, और ये आप आईटी टीम के हेड को बता देते हो। तो वो क्या करता है, आपके सिस्टम को लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट करता है, और उस लोकल एरिया नेटवर्क पे जहां आप पे बैठे होगे उसी सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट आपको पता भी नहीं होगा आपके सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है। आपको बस एक मेल आ जाएगा कि हाँ भाई आपके सिस्टम में ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए। तो दो टीम डिवाइड हो जाती है, एक टीम वो होती है स्मॉल लेवल, और मिडिल लेवल की कंपनी में क्या होता है कि आप ही कर्ता धरता हो, जितना भी काम करना है वो आपको सेल्फ करना है, ठीक है। दूसरी तरफ एमएनसी कहती है कि आपको हर चीज नहीं करनी, क्योंकि क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कहीं आप लोग अपने घर ना ले जाओ पेन ड्राइव लगा के, या आप लोग अपने नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में ना शेयर कर लो, इस वजह से वहां पे रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती है। तो आप अपने बिहाफ में वहां पे कुछ भी नहीं करोगे, जो भी कुछ करोगे वो सामने वाले को बता के करोगे, ठीक है, सिंपल है। अब इसका थर्ड पार्ट क्या आता है कि उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब टेस्टर, टेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो, तो टेस्टर क्या करेगा, टेस्टर ये कहेगा कि भाई जो हमको यहाँ पे फाइल्स मिली हुई हैं, अकॉर्डिंग टू द फाइल्स हम यहाँ पर अपना टेस्ट प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टर क्या करेगा, सबसे पहले टेस्ट प्लान रेडी करेगा। टेस्ट प्लान के बाद टेस्ट सिनेरियो को रेडी करेगा। टेस्ट सिनेरियो के बाद टेस्ट केस को रेडी करेगा। टेस्ट केस के बाद बग रिपोर्ट को रेडी करेगा। बग रिपोर्ट के बाद आरटीएम मैट्रिक्स होती है उसको जनरेट करेगा, ठीक है। यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो आपको किसी कंपनी में खुद भी करने को मौका मिल सकता है। एज अ एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा हो जाएगा तो हो सकता है बहुत सारे काम इसमें से आप खुद करो। अदरवाइज इसके भी दो सिनेरियो होते हैं। दो सिनेरियो क्या है, पहला सिनेरियो तो ये है, वही बात मैं बता रहा हूँ, कि स्मॉल लेवल की कंपनी में आप काम करोगे तो हो सकता हो ये सारे काम आपको खुद से करने पड़ रहे हो, ठीक है। अदरवाइज एमएनसी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो इसके लिए भी एक टीम होती है, ये काम भी क्या होता है एक टीम बना के रख लेती है अपने पास। अब जो प्रोजेक्ट आएगा उसके हिसाब से टेस्ट प्लान वो लोग बना लेंगे। टेस्ट प्लान के बाद टेस्ट सिनेरियो का टेम्पलेट दे देंगे, टेस्ट केसेस का टेम्पलेट दे देंगे, बग रिपोर्ट का टेम्पलेट दे देंगे। टेम्पलेट आपको एक एक्सेल शीट में बना के दे देंगे कि भाई हमारी कंपनी के अंदर अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट आपको ये सिनेरियो वहां पे डेवलप करके रखने, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगे और आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मिडिल लेवल या स्मॉल लेवल की कंपनी में काम करोगे तो ये सारे काम आपको हो सकता हो खुद करने पड़े, लेकिन अगर आप एमएनसी लेवल या बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर टीम डिवाइड होती है। वो टीम आपको काम प्रोवाइड कर देती है, स्ट्रक्चर दे देती है, सिर्फ आपको वहां पे क्या करना है, एप्लीकेशन को टेस्ट करना है एज अ मैनुअली और एज अ ऑटोमेशन के थ्रू, और जो भी उसके रिस्पॉन्सेज होंगे वो उनके ड्राइव में सेव करते रहते। अब बात ये आती है कि भाई जब टेस्टर काम करना स्टार्ट करता है तो टेस्टर को कंपनी की तरफ से क्या मिलता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अब मैं वो बता रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिकली जब आप कंपनी के अंदर काम करोगे तो कंपनी सबसे पहले आपको क्या प्रोवाइड करेगी, कंपनी आपको एक टिकट रेस करके देती है, ठीक है। कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करेगी, कंपनी आपको एक टास्क बना के दे देगी, ठीक है। इसके दो फॉर्मेट हैं, फॉर्मेट मैं बाद में समझा दूंगा, अभी आप जनरल कॉन्सेप्ट समझो कि आप किसी कंपनी में गए हो इंटरव्यू देने के लिए, तो कंपनी जो इंटरव्यू आपसे ले रही है वो इंटरव्यू लेगी कैसे, वो डेफिनेटली उसने पहले से कुछ टास्क बना के रखे होंगे, जैसे कोई क्विज पेपर बना के रख लिया है, ठीक है, आप लोगों के लिए कोई असाइनमेंट तैयार करके रख लिए हैं, उसने कोई ऐसी वेबसाइट देखी है जिसके अंदर बहुत सारी एरर्स आ रही होंगी, उसके कुछ टास्क आपको उठा के दे देगा। तो जैसे उसने अपने लिए प्री प्लान करके रखा होगा, इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी जब आप काम करने के लिए जाओगे वहां पे भी प्री प्लान पहले से करके दे दिया जाता है, ठीक है। तो टास्क आपको मिल जाएगा। अब टास्क जनरेट करने का काम करता कौन है, मैक्सिमम अगर आप किसी जीरा टूल के ऊपर काम करते हो तो टास्क जनरेट करने का काम होता है स्क्रम मास्टर का। स्क्रम मास्टर हो सकता है, टीएल हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, प्रोजेक्ट ऑनर हो सकता है, ठीक है। सच बताऊं तो भाई ये दो लोगों को ज्यादा प्रायोरिटीज मिलती है, इन लोगों को प्रायोरिटीज नहीं मिलती है,
ठीक है, इनका काम होता है सिर्फ क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करना, फाइनेंशियल डीलिंग में प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट ओनर को भेजा जाता है। उनका काम ये नहीं होता है कि टीम के साथ बैठ के आप काम करवाओ, उनका मेन काम क्या होता है, जितनी भी टीम है उन लोगों के लिए एक बंदा असाइन कर दिया स्क्रम मास्टर, अब वो काम कराएगा आप लोगों से। ठीक है, वो लोग हर चीज में आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है आप किसी कंपनी में 5 साल काम कर लो, आपको यही नहीं पता चले कि पीएम आपका है कौन, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर है कौन। ठीक है, उसका काम क्या होगा, फाइनेंशियल लेवल पे वो केवल क्लाइंट के साथ मीटिंग करेगा और उसका डिस्कशन करने के बाद टीएल या स्क्रम मास्टर को दे देगा, जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो आप तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता ही नहीं चलता कि पीएम और पीओ है कौन कंपनी के अंदर। और स्मॉल लेवल की कंपनी होती है, या हो सकता है बड़ी लेवल की कंपनी में भी एक ऐसा दिन देखो आता है, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि पीएम पीओ से मुलाकात कब होती है, या वर्चुअली इंटरेक्शन हो रहा होता है तो पर्टिकुलर किसी बग के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होना है, तो उस समय देखो सबको इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि भाई पैसा कंपनी जो दे रही है ना वो कहेगी ठीक है भाई पूरी टीम को मिलाओ, आज हम पूरी टीम से बात करेंगे, तो हो सकता है वहां पे आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिले। तो ओवरऑल जीरा जो हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम लोग यहाँ पे जायरा टूल भी कहते हैं, जायरा टूल का बेसिक पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सभी लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके काम करना है। अगर हमारी कंपनी में 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें से हमारे पास एक डेवलपर है, दो सॉरी एक डिजाइनर है, दो डेवलपर है और दो टेस्टर है, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों लोग उस प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलर उसी प्रोजेक्ट के लिए जीरा टूल के ऊपर कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और कनेक्शन बनाने के लिए, कनेक्शन इंट्रैक्ट करने के लिए ये सारा काम स्क्रम मास्टर का होता है। वो क्या करेगा, आपको एक लीगल ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देगा, उस लीगल ईमेल आईडी मतलब ऑब्वियसली जब कंपनी के अंदर जाओगे तो आप सबकी एक ऑफिशियल ईमेल आईडी जनरेट हो जाती है, तो वो ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू कैन ज्वाइन विद द जीरा टूल। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, अपनी ईमेल आईडी डालोगे, उसके डैशबोर्ड के अंदर पहुंच जाओगे। प्रैक्टिकली इसको हम लोग आने वाले समय में जरूर करेंगे कि कैसे पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। तो जब आप जीरा टूल के ऊपर आ जाओगे तो जीरा टूल पे तीनों लोग होंगे, डेवलपर भी होगा, डिजाइनर भी होगा और टेस्टर भी होगा। हो सकता हो वैसे जनरल केस में देखो डिजाइनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फिर भी उसको रख लिया जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब जीयूआई की टेस्टिंग की जाएगी, जीयूआई का मतलब क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जब टेस्टिंग की जाती है, तो हो सकता हो कि डिजाइनर को बोल दिया जाए कि ये इमेज का जो साइज है वो सही नहीं है, आप उसको चेंज करो। ठीक है, उसका फॉन्ट साइज सही नहीं है, फॉन्ट साइज सही नहीं है, आप उसको चेंज करो, फॉन्ट कलर सही नहीं है उसको चेंज करो, बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं सही नहीं है उसको चेंज करो, विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं आ रहा उसको चेंज करो, इमेज आपकी हमारे जो डेस्कटॉप है उससे बाहर जा रही है उसको आप क्या कहते हैं उसको रिसाइज करो। ठीक है ना, तो जितना भी काम होगा वो उसके ऊपर एलोकेट कर दिया जाएगा। अब अगर आप जीरा टूल के बिना बात करते हो, ठीक है, अब बहुत सारी देखो ऐसी भी कंपनियां हैं जिसमें जीरा टूल नहीं चल रहा है, कोई कंपनी कह रही भाई मेरे क्लाइंट का बजट मात्र 50,000 रुपए है, अब क्लाइंट तो जाने नहीं देंगे, 50,000 रुपए में भी भाई काम करना है, कुछ तो पैसा बचेगा, तो वो कहेंगे भाई हम जीरा टूल पे काम ना करके हम भाई मेल काम करा लेंगे। लेकिन अब आपको मेल में तो नहीं पता चलेगा ना कि भाई एबीसी नाम के पर्सन के पास क्या कॉन्सेप्ट गया, उसको क्या डेवलप करने के लिए दिया गया या क्या डिजाइन करने के लिए दिया गया, मेल के ऑथेंटिकेशन नहीं होते किसी के पास। तो अगर मेल के ऑथेंटिकेशन हम अपनी ही टीम के साथ नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो हम क्लाइंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो क्लाइंट को हर चीज ट्रांसपेरेंसी में अगर आपको दिखानी है तो पर्टिकुलर किसी ना किसी टूल्स को आपको वहां पे यूज करना पड़ता है। क्लाइंट आएगा, सारी चीजों को जज करेगा, कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट बन गया है, कितना प्रोजेक्ट आपने डेवलप कर दिया है, किस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में और कितना टाइम लगेगा, उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हायरार्की वहां पे उसको विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट या किसी ग्राफ के थ्रू दिखा दी जाती है। ठीक है, तो जीरा टूल क्या है, एक तरीके का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, इसको आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल या प्रोडक्ट मैनेजमेंट टूल दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ओवरऑल ये मानो एक मैनेजमेंट टूल है, चाहे वो प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी का हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी इंस्टीट्यूट लेवल का हो, कुछ भी हो, आप किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट को वहां पे आप रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो और उसके रिलेटेड जितने भी टीम मेंबर है सबको वहां पे इंटरेक्ट करा सकते, सिंपल है। तो क्यों आखिर ऐसा जीरा टूल बनाने का पर्पस क्या हुआ, सबसे पहली चीज थी कि जो क्लाइंट होता है उसको ट्रांसपेरेंसी दिखती है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर एक टेस्टर, मैं अब आपको कल की बात से रिलेट करवा रहा हूँ कि कल जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग होती है,
जब अल्फा टेस्टिंग हम लोग कर रहे होंगे और मान लो एक डेवलपर किसी प्रोसेस को डेवलप कर देता है और वो प्रोसेस किसी टेस्टर को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब टेस्टर को समझ में नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि क्या करें, तो वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, वो अपने डेवलपर को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप थोड़ी सी मुझे हिंट दे दो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है। तो उसके लिए उसने वहीं पे एक चैट बॉक्स होता है, आपने मैसेज कर दिया, डेवलपर ने आपकी हेल्प कर दी, आपका काम शुरू हो गया वहां से, ठीक है। अगर दो टेस्टर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे तो टेस्टर और टेस्टर यानी कि आप अपने कलीग्स के साथ भी ये बात डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कंपनी के अंदर जा रहे हो, आपको एपीआई का प्रोसेस नहीं पता, अब कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट ऐसा दे दिया जिसमें एपीआई का प्रोसेस टेस्ट करना है, तो आप अपने कलीग से डिस्कस कर सकते हो कि भाई कभी तुमने एपीआई के प्रोजेक्ट पे काम किया, अगर किया है तो भाई मुझे समझा दो, मेरे पास एपीआई का प्रोजेक्ट है। तो आप उसको कैसे बताओगे, आप उसको ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस करोगे कि एपीआई के प्रोजेक्ट को मुझको समझा दो, मैं वहां पे काम करना चाहता हूँ, एक अपनी फॉर्मल मैसेज उसको कर दोगे, वो आपको वहां पे सारी चीजें बता देगा। तो अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग वगैरह में हम लोगों ने क्या किया था कि अल्फा टेस्टिंग कंपनी के अंदर काम हो रहा है, बीटा टेस्टिंग कंपनी के बाहर काम हो रहा है। अब ये जितना भी काम करो कर तो एक कंपनी के अंदर ही रहो ना, ये भी तो अल्फा टेस्टिंग है। तो जीरा टूल के ऊपर जितना भी काम वहां पे किया जा रहा है वो सारे के सारे काम अल्फा टेस्टिंग से रिलेट करके किए जा रहे हैं। अगर क्लाइंट का क्लाइंट मतलब अपने पर्टिकुलर पर्सन को बोल देता है, टेस्टर को बोल देता है कि ठीक है आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप जाओ उस प्रोजेक्ट पे जाओ, उसमें कंपनी से बात करो और जाके चेक करो कि उस कंपनी के पर्टिकुलर लोगों ने कितना सॉफ्टवेयर वहां पे टेस्ट कर लिया, कितना डेवलप कर लिया, उसकी रिपोर्ट मुझे शाम तक दे देना। तो वो बाहर का बंदा भी तो आपके पास आएगा, उस जीरा टूल पे कनेक्ट होगा। तो देखो दोनों प्रोसेस पे होता है, अल्फा टेस्टिंग भी की जा रही है जीरा टूल पे और बीटा टेस्टिंग भी की जा रही है, कोई बाहर का बंदा भी आके उस पर टेस्ट कर पा रहा है ना, तो वो भी यहाँ पे एक प्रोसेस होता है कि आप उसको भी इंटेक्ट करके काम करवा सकते हो। अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा तब क्या करोगे, तो भाई वो फिर अल्फा टेस्टिंग का पार्ट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बीटा टेस्टिंग का पार्ट होगा। अब जीरा टेस्टिंग के ऊपर क्या होता है, जीरा टेस्टिंग के ऊपर टिकट रेस की जाती है, जो टिकट रेस करने का काम होता है एक्चुअली वो टास्क से रिलेटेड होता है कि भाई एक टास्क बना के हमको एक टेस्टर से दूसरे टेस्टर को, एक डेवलपर से दूसरे डेवलपर को, या स्क्रम मास्टर से डेवलपर तक पहुंचाना है, या स्क्रम मास्टर से टेस्टर तक पहुंचाना है, ये सारे काम वहां पे बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको किसी एप्लीकेशन में कोई टिकट रेस करके दिया जाएगा तो उसमें लिखा क्या होता है, मैक्सिमम क्या लिखा होता है, सबसे पहला स्टेप आता है टिकट रेस करने में कि उसमें किस यूआरएल को टेस्ट करना होता है, वहां पे आपको यूआरएल दे दिया जाएगा, उस यूआरएल में क्या टेस्ट करना है वो भी वहां पे टास्क लिखा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर एंटर करना है कोई डिटेल, तो वहां पे आ जाएगा एंटर यूजर नेम, ठीक है, दूसरा थर्ड पॉइंट आ जाएगा एंटर पासवर्ड, ठीक है, आपको पता चल गया कि हमको यहाँ पे यूजर नेम डालना है, हमको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और फोर्थ ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, क्लिक टू सबमिट बटन, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे सारी डिटेलिंग आ जाएगी। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको कंपनी की तरफ से भी प्रोवाइड मिलता है कि आपको क्या टेस्ट करना है, कितना टेस्ट करना है, उसकी पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करके फिर आपको वहाँ पे रिपोर्ट्स बना के दे देनी है। अब इन केस मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिया गया, ये एक पेज है, इस वाले पेज में आपको यहाँ पर टेस्टिंग करनी है, तो ये एक हमारे पास हो गया यूजर नेम, ये हमारे पास हो गया एक पासवर्ड का, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है एक सबमिट बटन, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे टेस्ट करोगे, सिंपल सा काम है, एक मैंने आपको लॉगिन पेज यहाँ पे बना के दे दिया कि भाई ये लॉगिन पेज है आपको इसको टेस्ट करना है, तो लॉगिन के पेज को टेस्ट करने के लिए आपको यूजर नेम भी है, आपके पास पासवर्ड भी है, आपके पास बटन भी है, आपको बस क्या करना है यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड डेटा डाल के टेस्ट करना। एग्जाम्पल के लिए आपको ये पूरा पेज दिया है, अब जब आप इस वाले पेज के ऊपर आप टेस्टिंग करने के लिए आओगे तो डेफिनेटली आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ये इस तरीके से पेज आ गया मिल गया। अब इस पेज में पहले आप ये सोचो कि कितनी टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं या कितने टेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, तो आपने जो भी चीज़ सोची उसके हिसाब से आपके पास कुछ सिनेरियो निकल के आ रहे हैं। मैं सीधे सिनेरियो पे बात करता हूँ कि आपने यहाँ पे लिखा फील्ड्स और इस फील्ड्स में यहाँ पे लिख दिया यूजर नेम पासवर्ड और नीचे इसमें आया और क्या आपके पास आउटपुट या आउटकम्स भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2,
टेस्ट केस 3 एंड टेस्ट केस आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अगर आप किसी वेब पेज पे काम करते हो, अगर उसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के पेज में बॉक्सेस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है, हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, तो 2 बॉक्सेस के लिए आप यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ टू द पावर ऑफ एन, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर एन होता है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, जितने भी आपके पास यहाँ पर बॉक्सेस हैं उसको आप काउंट करके लिख दो, टू द पावर ऑफ 2, 2 बॉक्सेस हैं तो 2 लिख दोगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई विद 2 टोटल कितना हो जाएगा, 4। यानी कि इस पर्टिकुलर पेज के लिए कितने टेस्ट केस बनाए जा सकते हैं, 4 टेस्ट केस यहाँ पे डेवलप किए जा सकते हैं। तो आप पहले यहाँ पे अपना राइट नाम और राइट पासवर्ड लिख के चेक कर सकते हो, यानी कि वैलिड डेटा डाल सकते हो, इसमें भी वैलिड डेटा डाल सकते हो और बटन पे क्लिक कर सकते हो। अगर वैलिड और वैलिड डेटा डालने के बाद बटन पे क्लिक करके ये टेस्ट केस, यानी कि आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो जाते हो, ये टेस्ट केस क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यूजर नेम वैलिड लेकिन पासवर्ड बाय डिफॉल्ट गलत डाल देते हो तो आपका टेस्ट केस पास नहीं होता, आपका टेस्ट केस फेल हो जाता है, यानी कि आप वहां पे एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, इसको फेल ना करके इसको इनवैलिड कर लेना। यही काम आपको फिर से करना है, इस वाले में फिर से अगेन यूजर नेम में इनवैलिड डेटा डालना है और पासवर्ड में वैलिड डेटा डालना है। तो यहाँ पे आप इनवैलिड कर दोगे, यहाँ पर वैलिड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि आपका वेब पेज आगे नहीं जाएगा। लास्ट आपके पास क्या होता है, टेस्ट केस 4 में दोनों ही अगर आपके पास इनवैलिड है तो आपका टेस्ट केस दोनों ही केस में इनवैलिड हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो आप इसमें आगे नहीं जा सकते। ये 4 कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं यही तो है फंक्शनल टेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शनल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में आप क्या करते हो, मैनुअल टेस्टिंग में आप फंक्शनल टेस्टिंग करते हो। तो जब आप किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे तो टेस्ट करने के टाइम पे उस पेज के बिहेवियर पे डिपेंड करता है उसकी टेस्टिंग कैसी होनी चाहिए। सिनेरियो का मतलब क्या है, सिनेरियो का मतलब होता है टास्क। मैंने आपको सिनेरियो दिया, लॉगिन पेज एक सिनेरियो है। अब लॉगिन पेज को टेस्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके मैंने आपको बताए। तो वो जो 4 तरीके मैंने बताए वो कैसे टेस्ट करोगे, उसमें डेटा जब तक आप पुट नहीं करोगे तब तक टेस्ट नहीं कर सकते ना। तो एज अ टेस्टर आप क्या करोगे, उसमें 4 अलग अलग तरीके के डेटा को फिल करके देखोगे, बटन पे क्लिक करके देखोगे कि वो डेटा पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अ टेस्टिंग टेक्निक। ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो इसको टेस्टिंग टेक्निक्स बोला जाता है। एनी डाउट एनीवन एवरीवन? अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। जैसे ये जो लॉगिन पेज है, तो पासवर्ड है वो चेक करने के लिए डेटा तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, डेटा थोड़ी ना मिलेगा, डेटा तो आप खुद लिखोगे ना, आप अपना ही तो डेटा डालोगे वहां पर। समझ रहे हो भाई, कहाँ सोच रहे हो, अगर ये पेज है आपके पास अमेजोन का, अगर ये पेज है ठीक है, अगर मैंने आपको अमेजोन के पेज को टेस्ट करने के लिए दिया तो ये डेटा तो आपको खुद फिल करना पड़ेगा ना, यहाँ पर यूजर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, पासवर्ड, जो आपका वैलिड डेटा है वही तो डाल के देखोगे। कहाँ ओके सोच में पड़ा गया? ठीक ठीक है। है, आप मोबाइल चलाते हो तो अपना ही डेटा तो उसमें डाल के देखते हो, तो यानी कि यूजर को आप टेस्टर बन के भी सोचो और यूजर बन के भी सोचो। आप टेस्टर बन के ये सोचो कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमियां हैं उसको आप सेट करना चाहते हो, एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि यूजर कितने तरीके की वैलिड डेटा है और इनवैलिड डेटा पुट कर सकता है। तो यही तो होता है फंक्शनल टेस्टिंग, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग एंड निगेटिव टेस्टिंग के सिनेरियो। यही इंटरव्यू में तो सब पूछा जाता है और आप लोग नहीं बता पाते हो क्योंकि पता नहीं होता, ये टर्म्स नहीं पता होते हैं, इस वजह से हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। अगर आपको अब पूछा जाएगा वैलिड टेस्टिंग इनवैलिड टेस्टिंग क्या होगी, तो आप विद द हेल्प ऑफ टेबल वहां पे बना के दिखा देना। पॉजिटिव टेस्टिंग नेगेटिव टेस्टिंग क्या होगी, तो वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, हमने डेटा कैसा डाला है, पॉजिटिव डेटा हमने डाला है या नेगेटिव डेटा हमने डाला है। जैसा हमने डेटा डाला होगा उसके हिसाब से हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। समझ गए, सिंपल है। तो ये जो टेस्टिंग टेक्निक्स आप देखते हो ये सबसे पहले टेस्टिंग टेक्निक्स नहीं है, एक्चुअली ये थर्ड टेस्टिंग टेक्निक्स है, इसको बोलते हैं डिसीजन टेबल। तो हमारे पास अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए 5 टेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, टेस्टिंग टेक्निक के कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं।
तो जो टेस्टिंग टेक्निक के कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो, उसमें सबसे पहले आपके पास आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, सेकंड आपके पास आता है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, थर्ड आपके पास यहाँ पर आता है डिसीजन टेबल, और लास्ट आपके पास फोर्थ आता है स्टेट ट्रांजिशन, और फिफ्थ आपके पास आता है एरर गैसिंग। तो ये पांच ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसका आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, जिसमें से मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक बताया कि डिसीजन टेबल आप यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हो। समझ गए? सिंपल है, आगे चलते हैं। अब इसी डिसीजन टेबल को अब मैं आपको एक पेज दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके देखिए बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। डिसीजन टेबल बनानी है। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में बैठे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो उसने आपको क्या बोला कि भाई ये हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन पेज है, आपको इस रजिस्ट्रेशन पेज को टेस्ट करना है, बस उसने ये बोला, उसने ये नहीं बताया कि कौन सी टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी। अब आपको ये सोचना है कि अकॉर्डिंग टू द पेज हमारे पास यहाँ पे कौन सी टेक्निक्स अप्लाई होगी और किस किस टेक्निक्स को एप्लीकेबल करके इस डिसीजन टेबल या सॉरी या रजिस्ट्रेशन पेज को हमको यहाँ पे टेस्ट करना है। तो इस पेज का आप लोग डिसीजन टेबल बना के देखो, अगर प्रॉब्लम होती है नहीं समझ में आता है तो बता दो, मैं उसके शॉर्टकट्स भी समझा दूंगा। पहले आप सेल्फ ट्राई करके देखो कि आप इसका डिसीजन टेबल क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ओके, यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, सिर्फ तीन दे रहा हूँ अभी। अब पहले आप तीन पे चेक करके देखो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखो इसका शॉर्टकट तरीका ये है, देखो सबसे पहले 2 to the power of 3 मतलब टोटल कितना होगा, 8 टेस्ट केसेस आपके बनेंगे। अब आप 8 टेस्ट केसेस को यहाँ पे डिवाइड करो ऐसे 2 से, तो 4 टेस्ट केस आपके पहले वैलिड होंगे, 4 टेस्ट केस आपके इनवैलिड होंगे, फिर 4 टेस्ट केस को आप डिवाइड करो, 2 टेस्ट केस आपके वैलिड होंगे, फिर 2 टेस्ट केस आपके इनवैलिड होंगे, इसके भी क्या होंगे, 2 टेस्ट केस आपके वैलिड होंगे, 2 टेस्ट केस आपके इनवैलिड होंगे, फिर 1, 2 वाले को भी आप डिवाइड करो, 1 टेस्ट केस वैलिड, 1 टेस्ट केस इनवैलिड, इसको भी देखो, 1 टेस्ट केस वैलिड, 1 टेस्ट केस इनवैलिड, 1 टेस्ट केस वैलिड, 1 टेस्ट केस इनवैलिड और 1 टेस्ट केस वैलिड और 1 टेस्ट केस इनवैलिड। तो ये ट्री के जो फॉर्मेट में मैंने आपको हायरार्की बताई हुई है, आप इसको फॉलो करो। कैसे फॉलो करोगे, तो आप क्या करो, यहाँ पर अपने पास एक टेबल बनाओ, पहले बड़ी सी टेबल है, इसको आप डिवाइड कर लो 8 पार्ट में, टोटल 9 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट वाली 8 हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें ये टेस्ट केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और बन जाएगा लास्ट में 8, ठीक है, ये 8 हो गए हमारे पास। यहाँ पे आप लिखोगे फील्ड्स कौन कौन सी है, यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और नीचे लिख दोगे आप उसका आउटकम्स, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर पूरा सेपरेटली इस तरीके से डिजाइन कर लिया, हो गया। अब मैंने क्या बताया था, 8 हैं, तो 8 को आप डिवाइड करोगे 4 और 4 के पार्ट में, तो 4 वैलिड और 4 इनवैलिड, तो पहले वाले यूजर नेम के लिए 4 वैलिड कर दो और 4 इनवैलिड कर दो, ठीक है। फिर 2 वैलिड और 2 इनवैलिड, तो यहां पर आप 2 वैलिड कर दो, 2 इनवैलिड कर दो, फिर इसके लिए 2 वैलिड कर दो, और फिर से आप इसके 2 इनवैलिड कर दो, और लास्ट के लिए क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइड करोगे तो 1 वैलिड और 1 इनवैलिड, तो यहाँ पे 1 वैलिड 1 इनवैलिड 1 वैलिड अगेन 1 इनवैलिड अगेन 1 वैलिड अगेन 1 इनवैलिड अगेन 1 इनवैलिड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वैलिड वैलिड वैलिड, तो पहले वाले पार्ट में सारे वैलिड आपने रख दिए, वैलिड डेटा आना चाहिए, दूसरे में वैलिड वैलिड और इनवैलिड, इसको आप इनवैलिड कर दो। अब कोई भी आप चेक कर लो, सब में इनवैलिड होगा, वैन वैलिड देखो दिखा दे रहा हूँ, एक इनवैलिड यहाँ आ गया, एक इनवैलिड यहाँ आ गया, एक इनवैलिड यहाँ आ गया, इनवैलिड यहाँ आ गया, इनवैलिड इनवैलिड और इनवैलिड तो है ही, है ना। तो आपने सब जगह पर देखो इनवैलिड किया, तो सबका आउटपुट इनवैलिड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डिसीजन टेबल को बनाने के टाइम पे आपका कोई भी जो कॉलम है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर कॉलम एक बार भी रिपीट हो गया तो वो दोबारा बनाना पड़ेगा आपको। तो ये शॉर्टकट तरीका है कि ट्री के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर अपने डिसीजन टेबल को ऐसे क्रिएट कर सकते हो। अब जो डिसीजन टेबल आपने क्रिएट करी, इसी के बिहाफ पे आप वहाँ पे टेस्टिंग के टेस्ट केसेस के सिनेरियो भी राइट कर सकते हो। क्लियर है, सिंपल है, लॉजिक समझ में आ गया।
अब बना लो, अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। टेबल्स को क्रिएट करने के लिए आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। अगर चार बॉक्स होते तो उसी को अकॉर्डिंगली हम लोग एडजस्ट करते डिवाइड करते। जितने भी होंगे उसके लिए आपको एक ट्री याद रखनी है। ट्री से आपको ज्यादा आसान हो जाता है काम करना। ऐसे आप सोचते रहोगे कितने वैलिड किए कितने इनवैलिड किए, उसमें बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो जाता है। तो रिपीट होने से आपको ये सब चीजें बचानी। तो डिसीजन टेबल का पर्टिकुलर पर्पस क्या था? ये जब भी आप यहाँ पर काम करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में, जब भी आप यहाँ पर काम करोगे तो अकॉर्डिंग टू द टास्क आप यहाँ पर उसके सिनेरियोस को देखकर सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं या जो पेज हमको दिया गया है उस पर्टिकुलर पेज पे टेस्टिंग करने के लिए हमको डिसीजन टेबल कैसे यहाँ पे क्रिएट करनी है। और जो डिसीजन टेबल आपने यहाँ पे किसमें बनाई थी, पेंट पे बना रहे हो या जिस पे भी आप बना रहे हो उसपे मैं नहीं करना है, ये तो सिर्फ रफली वर्क था। आपको पर्टिकुलर एक एक्सेल शीट पे काम करना है। लाइक दिस वन, ठीक है? तो कुछ इस तरह की कि आपको एक्सेल शीट यहाँ पे क्रिएट करनी है, ठीक है? अभी मेरे पास दो दो की है तो मैंने दो दो के हिसाब से बनाई हुई थी। आपके पास जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपनी चीजों को बढ़ाते जा सकते हो, ठीक है? और भी होगा कहीं ना कहीं। ये देखो ये 8 की बनी हुई है, क्लियर है? तो सारा काम आपको एक्सेल शीट में बनाना है, कोई भी काम आपको रफली नहीं करना है। रफली सिर्फ आप अपने लिए करते हो, लेकिन अगर क्लाइंट को या आप अपनी टीम मेंबर्स को दिखाना चाहते हो आपने क्या काम किया है, तो इस तरीके से आप अपनी एक एक्सेल शीट प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हो।